कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम संबंधित बैठक मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा व जिले के प्रभारी नोडल अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीएमओ डॉ. सुधाकर प्रसाद पांडे, बीएसए बीएन सिंह, उप जिला स्वास्थ्य व सूचना अधिकारी सुनीता पटेल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में कोरोना के नोडल अधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा कि संबंधित विभाग आपसी सामंजस्य बैठाकर कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाए तथा लोगों को जागरूक करे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा व जिले के कोरोना के नोडल अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल ने कहा, बच्चा सिंह जिला कंसल्टेंट हूँ पंचायती राज विभाग। जिला कंसल्टेंट कौन सी पोस्ट है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। आपके अपना नाम सब को भी हो गया था ना? कौन सी है? हमारे मेयर साहब बीएन सिंह बीएसए भूपेन नारायण जी जी बोलते हैं। देखिए मेन ना वर्कर और भी लोग आए हैं, तो तीन चार दिन पहले हुआ था लेकिन आप लोग आपका लोग चुनाव में मिली थे कि आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया कि मैंने चुनाव खत्म हो जाए। जो आप लोग देख ही रहे हो कोरोना के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, इसी स्पीड से जो पहले कंट्रोल रूम चल रहा था उसने लगभग 400-450 मैक्सिमम एक दिन में केसेस का हैंडल किया, और वो भी लगभग ये मान लीजिए कि पूरा एफर्ट लगा भी हो पाए। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 20-25% से कम तो कहीं आई नहीं रहे हो, कहीं कहीं पे 50-60-70% भी पॉजिटिव आ रहा है, जिसका मतलब इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो ये कंट्रोल रूम बना हुआ है इसका रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही मैं कह रहा हूँ कि इसको वो जो प्राइवेट में और होम में जब तक कोविड टेस्ट नहीं कराया है, अगर कोविड टेस्ट कराया है तो ये लोग भेजेंगे ही। ये कोरोना की कंट्रोल रूम की व्यवस्थाएं एवं अन्य जो भी फील्ड में काम चल रहा है उसकी पूरी समीक्षा के लिए ये आज एक समीक्षा बैठक की गई है सभी लोगों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के, नगर निगम के, बेसिक शिक्षा के, अन्य जो भी लोग लगे हुए सबके साथ किया गया है। और ये सब इसी दिशा में प्रयास है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो और ये जो महामारी का संक्रमण है इसको नियंत्रण कर लोगों को किसी भी कठिनाई के बिना सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, यही प्रयास। सर कुछ आगाह भी किए हैं जनता को इस तरह की रोकथाम के लिए कुछ? इसमें यही कहा गया है कि किसी भी प्रकार की जो अफवाहें उन पर विश्वास ना करें और कोई भी समस्या हो तो कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम के कई नंबर सर्कुलेटेड हैं और वहाँ पे हर शिफ्ट में 30 से 40 लोगों की ड्यूटी है जिसको और बढ़ाया जा रहा है, जो सब अलग अलग काम में लगाए हुए हैं। तो वहाँ कंट्रोल रूम में कभी भी संपर्क कर किसी भी प्रकार की, चाहे टेस्ट से संबंधित हो या हॉस्पिटल में बेड से संबंधित हो या दवा से संबंधित हो या टीकाकरण से संबंधित हो, सभी प्रकार की जानकारी एक ही स्थल पर उपलब्ध है।